जिसकी कोशिश हो रही थी सुलह करने की, चीजें सेटल डाउन करने की, वो होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि मुख्यमंत्री वो अभी बने नहीं। लेकिन हरीश रावत का जो बयान सिद्धू को लेकर आया, उससे लेकर अब घमासान छिड़ गया, उससे कैसे अब लड़ेंगे चन्नी? देखिए अर्पिता, मैं बार बार यही बता रहा हूं कि चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने साधने के समान उनको मानते हुए मुख्यमंत्री पद का जो है दावेदार बनाया है, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जैसा मंथन किया था, जैसा सोचा था, वैसा उसके अनुकूल परिणाम निकलते यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी में जो अंतर्कलह बनी हुई है, उस अंतर्कलह को किस तरीके से थामा जाए। इसके अलावा पंजाब में जिस तरीके से दलित वोट बैंक पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी तादाद में मिला था, अर्पिता मैं आपको बताना चाहूंगा, पंजाब के अंदर, पंजाब देश का इकलौता राज्य है जिसमें दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, और पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें दलित विधायकों के लिए आरक्षित की गई हैं, और इन 34 सीटों में से 22 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। और उसी को देखते हुए अकाली दल ने बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि हम सरकार बनती है, सत्ता आती है तो दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके पास सबसे बड़ा पद जो है नेता विपक्ष का है, नेता प्रतिपक्ष का है, उस पर हरपाल चीमा जो कि दलित समुदाय से आते हैं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया है। तो दलित की जो राजनीति पंजाब के अंदर हो रही थी उसे देखते हुए पंजाब कांग्रेस ने काफी मंथन करके केंद्रीय आलाकमान के साथ मिलकर चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सुझाया था। लेकिन जिस तरह की अंतर्कलह और इन फाइटिंग लगातार कांग्रेस में जारी है, उसे देखकर ये लग रहा है कि जो जिस अनुकूलता के साथ, जिन परिणामों को सामने देखते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, वो परिणाम अभी आ नहीं रहे हैं, बल्कि इन फाइटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। अभी सबसे बड़ा सस्पेंस कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बना हुआ है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी को साफ तौर से कह चुके थे कि अगर आपने नवजोत सिंह सिद्धू के किसी कट्टर समर्थक या सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया तो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहना। अगर फ्लोर टेस्ट की कोई धमकी दे रहा है तो इसका मतलब एक बड़ा गुट विधायकों का आज भी उसके साथ है, उसके संपर्क में है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से उनका अपमान हुआ है वो मुख्यमंत्री तो का पार्टी भी छोड़ देंगे। हालांकि अब हम जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से लगातार बात कर रहे हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल ट्विटर पर चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई भी दी है, और उन्होंने भी राहत की सांस इसलिए ली होगी कि चरणजीत सिंह चन्नी बहुत करीबी नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू के, उनके खेमे से नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिलहाल राहत की सांस ली है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी यहां पर आ रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब भी कहीं ना कहीं नाखुश हैं, नाराज हैं। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से ये बयान भी आया है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो सीधा कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने उनके फार्म हाउस पर जाएंगे। तो कुल मिलाकर अर्पिता लग ऐसा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में हालात फिलहाल ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, और इससे इसकी सबसे बड़ी चिंता की वजह यह है कि अगले 5 महीने बाद पंजाब विधानसभा में चुनाव होने हैं। चुनावों से पहले हरीश रावत कह तो रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे के साथ आगे बढ़ेगी। तो अब जो सुनील जाखड़ ने सवाल उठाया है, ये सवाल कहीं ना कहीं पंजाब की जनता और मतदाताओं के बीच में भी जाएगा कि जब सिद्धू ही पंजाब कांग्रेस का चेहरा है तो चरणजीत सिंह चन्नी को क्या 5 महीने के लिए सिर्फ एक तरीके से टाइम पास मुख्यमंत्री बनाया है, और क्या आने वाले समय में चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये भी साफ कर दिया है कि 2022 के चुनाव में पार्टी जाएगी लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा अभी साफ नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी को बीइंग टाइम थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए विधानसभा चुनावों तक इस अंतर्कलह को रोकने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। और इसके बाद हो सकता है अगर कांग्रेस पार्टी
देखिए समारोह को शुरू होने का समय 11 बजे था और उसके लिए बाकायदा एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पर सीधी तस्वीरें पंजाब राजभवन से प्रसारित की जाएंगी, लेकिन फिलहाल राजभवन के बाहर मैं खड़ा हूं और यहां पर अगर आप देखें तो पूरा सिस्टम एकदम चाक चौबंद है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। राहुल गांधी के बारे में अभी तक कोई बात नहीं बताई जा रही है कि वो पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, और क्योंकि एक गाड़ियों का काफिला अंदर गया था जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी को भी बैठे देखा हुआ गया था, नवजोत सिंह सिद्धू को बैठे दिखाई दिए थे, सुनील जाखड़, तृप्त राजवा, राजेंद्र बाजवा, सुखी रंधावा, ये वो लोग हैं जो राजभवन के अंदर जाते हुए दिखाई दिए थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था कि राहुल थोड़ी देर में ये शपथ समारोह की शुरुआत होनी है, सिद्धू समेत कई विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में पंजाब में नए सीएम की शपथ समारोह कार्यक्रम की शुरुआत होनी है, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचने वाले, ये भी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर चन्नी अब से थोड़ी देर में ही शपथ लेंगे, लेकिन सस्पेंस अभी डिप्टी सीएम को लेकर बना हुआ है। सत्येंद्र, जी अर्पिता बिल्कुल सही कहा आपने, कई एक सस्पेंस नहीं है। देखिए पिछले 48 घंटों में जो उलटफेर हुए हैं, जो घटनाक्रम हुआ है, उस पूरे घटनाक्रम को अगर आप ध्यान से देखेंगी तो उसमें बड़े उलटफेर हुए हैं, बार बार चौंकाया गया है, और अमूमन ऐसा कांग्रेस में होता नहीं है। कांग्रेस में की जो कार्यशैली रही है उसमें एक नेता का नाम बहुत पहले बता दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का अगर तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी में लास्ट मूवमेंट तक कभी किसी को नहीं पता चलता कि मुख्यमंत्री कौन होगा, बल्कि होता यह है जिस मुख्यमंत्री का नाम लिया जाता है वो बनता ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस की यह परिपाटी नहीं रही है, पहली बार कांग्रेस में ऐसा हुआ है कि रात के 12:30 बजे अंबिका सोनी को राहुल गांधी बुलाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनको कहते हैं, उनको मनाते हैं कि आप पंजाब चंडीगढ़ जाइए, पंजाब का मुख्यमंत्री बनिए। सुबह होते होते अंबिका सोनी सेहत का हवाला देती हैं और साथ में ये कहती हैं कि पंजाब देश का इकलौता ऐसा राज्य है जो सिख बाहुल्य है और मैं चाहूंगी कि किसी सिख को पंजाब की कमान सौंपी जाए, और ये बहाना बनाकर वो मुख्यमंत्री बनने से मना कर देती हैं। उसके बाद नाम आता है हिंदू चेहरे के तौर पर ही सुनील जाखड़ का, और सुनील जाखड़ के नाम पर भी पानी फिर जाता है। ये कहा जाता है कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा इस बात पर अड़ गया है कि पंजाब की कमान किसी जट सिख को सौंपी जाए, क्योंकि जट सिख से ही पंजाब की पहचान होती है। सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम आगे आता है, उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग जाता है, लड्डू, मिठाई, फूलों के गुलदस्ते, ढोल, नगाड़े, नाच गान शुरू हो जाता है। सुखजिंदर सिंह रंधावा बाहर आकर ये भी कह देते हैं कि जैसे ही मेरे पास संदेश आएगा मैं आपको बताऊंगा कि शपथ कब लूंगा, लेकिन उसके बाद अरमानों पे पानी फिर जाता है। जेडब्ल्यू मैरियट होटल के बाहर तस्वीरें दिखाई देती हैं, नवजोत सिंह सिद्धू हताश बाहर निकलते हैं, गुस्से से तिलमिलाते हुए बाहर निकलते हैं, और एक घंटे बाद फिर वापस उसी शैली में आते हैं, और उससे पहले जब सुबह निकलते तो बॉडी लैंग्वेज खुशनुमा दिखाई देती है। तो ये वो घटनाक्रम है जो पल पल बदले हैं, और लास्ट में शाम होते होते एक ट्वीट आता है हरीश रावत का, और ट्वीट में यह ऐलान कर दिया जाता है विधायक दल का नेता चरणजीत सिंह चन्नी को चुन लिया गया है। और जैसे ही चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आता है उसके बाद कयास ये लगाए जाते हैं, उम्मीद ये जताई जाती है कि कांग्रेस पार्टी में जो अंतर कलह चल रही थी उस पर विराम लगेगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह का समर्थन भी कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी को मिलेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ट्वीट करते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई देते हैं, साथ में एक अपील करते हैं कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप पंजाब को बॉर्डर स्टेट देखते हुए इसकी सीमाओं की सुरक्षा करेंगे और पंजाब राज्य की रक्षा करने में भी कामयाब होंगे। तो यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस ट्वीट के माध्यम से नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर भी निशाना साध रहे थे। आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहीं पर खड़े होकर और अपने घर में इस्तीफा देने के बाद सीधा ये कहा था कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा, क्योंकि उनके संबंध पाकिस्तान से है, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट होने के नाते पाकिस्तान से जिस तरीके से हथियार आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, बहुत सारे हमने पकड़ लिए हैं, बहुत सारे पकड़े नहीं गए हैं, उनकी खोजबीन चल रही है कि वो कहां है, ऐसे माहौल में मैं ऐसे शख्स को पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा जिसके संबंध पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा से हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से हैं, जो नवजोत सिंह सिद्धू के कसीदे पढ़ते हैं। लेकिन अब चन्नी के सामने अमरिंदर ने बकायदा ये कहा कि आपसे कई उम्मीदें हैं, लेकिन चन्नी खुद भी बहुत विवादों में रहे हैं, उसको लेकर पार्टी के अंदर किस तरीके की बातें चल रही हैं और खासतौर पर विपक्ष क्या कह रहा है? देखिए विपक्ष लगातार चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साध रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा चरणजीत सिंह चन्नी
बतौर कैबिनेट मंत्री एक आईएएस अधिकारी के साथ व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के उसमें चर्चित रहे हैं। इनके ऊपर आरोप लगे थे। बाकायदा पंजाब महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को नोटिस भेजा था और उस समय खासा बवाल हुआ था। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी, क्योंकि उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनका 36 का आंकड़ा था जब वो मुख्यमंत्री थे और चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट मंत्री थे, तो चरणजीत सिंह चन्नी ने उन विवादों पर ये कहकर विराम लगाया कि ये जो कुछ हो रहा है राजनीति के तहत हो रहा है और उनको डाउन प्ले करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ऐसा करा रही है अधिकारियों पर दबाव बनाकर। लेकिन अब जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है पंजाब राजभवन के अंदर, ऐसे में एक बार फिर से विपक्ष को वो जिन बोतल से बाहर आकर मिल गया है और विपक्ष ने चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर मीटू के तहत आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं और इस लपेटे में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को भी लिया जा रहा है कि सोनिया गांधी एक महिला होने के नाते कैसे ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा सकती हैं जिसके ऊपर महिलाओं के उत्पीड़न करने या महिलाओं से बदतमीजी करने के आरोप लगे हों। तो ये राजनीति है, राजनीति में इस तरह के वाद विवाद चलते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पद की शपथ पंजाब राजभवन में ले रहे हैं। उनके साथ पंजाब के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। पंजाब के राज्यपाल इस समय उस समारोह में पहुंच गए हैं जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। अर्पिता, और देखिए सत्येंद्र, ये इन फाइटिंग जो कांग्रेस इस वक्त पंजाब में देख रही है, ये इनके लिए नई बात नहीं है। राजस्थान में इस तरह की इन फाइटिंग देखने को मिली, एमपी में इस तरह की इन फाइटिंग देखने को मिली, लेकिन यहां पर तस्वीर थोड़ी सी अलग है क्योंकि यहां पर अब चुनाव होने हैं। ऐसे में अमरिंदर के बल पर कई बार पंजाब में कांग्रेस ने जीत हासिल की। अब वो सीएम रहे नहीं, दलित चेहरे को सीएम बना दिया, दलित वोटों को हासिल करने की एक कवायद है। लेकिन इस बीच कवायद यह भी होगी कि कैसे विधायकों का समर्थन भी इनको हासिल हो, क्योंकि तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को आगे रखा जाएगा, उनके बल पर हो सकता है चुनाव लड़ा जाए, बीजेपी की तरह नहीं कि बाद में सीएम का अनाउंसमेंट किया जाए। यहां पर तो चेहरा अंदर की पार्टी की रणनीति कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है, सब कुछ धूमिल है। अर्पिता, बिल्कुल सही आपने कहा, सब कुछ धूमिल है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी किसी घर परिवार कुनबे में लड़ाई होती है तो उस लड़ाई के बाद माहौल सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगता है। पिछले 48 घंटों से कांग्रेस में चल क्या रहा है, तमाम नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं, धड़े बने हुए हैं, यहां तक कि आप अपने मौजूदा मुख्यमंत्री की कुर्सी ले लेते हैं, नए मुख्यमंत्री पद का ऐलान कर देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी अभी एक कंफ्यूजन की स्थिति में है, एक वाद विवाद की स्थिति में है और एक अंतर्कलह की स्थिति में है। अगर यह भी मान लें कि पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह खत्म हो गई है, मान लीजिए एक बार की आप ये सोच लीजिए कि अंतर्कलह थम गई है, लेकिन उस थमने के बाद सब कुछ सामान्य होने में समय लगेगा। अगर वो समय लगता है तो आपके पास समय विधानसभा चुनाव जाने का बचता नहीं है, 5 महीने आपके पास शेष हैं। और इन 5 महीनों में औपचारिक रूप से आप भले कहिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन अनौपचारिक रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस को बाय बाय कह चुके हैं, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और आने वाले कुछ समय तक रहते हैं, तो जितने समय तक कैप्टन अमरिंदर सिंह रहेंगे वो कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, ये बात आप मान लीजिए। तो आप एक ऐसे चेहरे को नकार चुके हैं जो पंजाब पिछले लंबे समय से पंजाब कांग्रेस का एक फेस बना हुआ था और नया फेस आप चरणजीत सिंह चन्नी को ले आए हैं, लेकिन आप खुद उस फेस को पंजाब कांग्रेस का चेहरा मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी 2022 के चुनाव में ना तो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और ना उनकी लीडरशिप में। शपथ ग्रहण शुरू होना था, 11:13 हो चुके हैं, डीले किस बात का हो रहा है, क्या किसी का इंतजार है किसी गणमान्य का जिसके बाद शपथ ग्रहण शुरू होगा, क्या जानकारी मिल रही है, डीले क्यों हो रहा है? अर्पिता, देखिए सबसे बड़ा इंतजार जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये खबर दिल्ली से सुबह आई थी और जब तक खबर आई थी काफी लेट हो चुका था कि राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अगर बाई एयर आते हैं तो तकरीबन 30 से 40 मिनट का रास्ता चंडीगढ़ का बाई एयर है और उसके बाद 40 मिनट का रास्ता चंडीगढ़ से एयरपोर्ट से राजभवन का है। तो हो सकता है राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा हो, क्योंकि कल से ही चरणजीत सिंह चन्नी हरीश रावत इसी जगह पर आए थे और उन्होंने
बताया था कि 11 बजे शपथ ग्रहण का समय तय हुआ है पंजाब राजभवन में, और उसके बाद से चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है कि वो पहले पंजाब भवन जाएंगे, सेक्रेटरिएट जाएंगे, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास जाएंगे, उसके बाद अपने जो होने वाले मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से डिले हो रहा है, लग ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं समय में बदलाव किया गया है। और ये भी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और इन तस्वीरों के देखने से भी आप समझते सकते हैं कि पंजाब राजभवन का गेट बंद है। जिन गणमान्यों को राजभवन के अंदर जाना था वो जा चुके हैं, और उसके बाद लिस्ट लेकर जिन लोगों को जाना था, जिनका लिस्ट में नाम है, वो लिस्ट लेकर सुरक्षाकर्मी यहां पर जरूर मौजूद हैं, राजभवन के अधिकारी जरूर मौजूद हैं। और अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा उसका लाइव टेलीकास्ट राजभवन के कर्मचारियों की तरफ से बाकायदा किया जाएगा, वो तस्वीरें प्रसारित भी की जाएंगी। लेकिन अभी तक ना तो वो लिंक शुरू हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी तक शपथ ग्रहण समारोह अंदर शुरू नहीं हुआ है, और हो सकता है कि राहुल गांधी के आने का इंतजार यहां पर किया जा रहा हो। अर्पिता सत्येंद्र, जानकारी तो ये भी थी कि ऐसा मुख्यमंत्री चेहरा होगा जो दोनों ही धड़ों, जो दो धड़ों में इस वक्त बढ़ गए हैं, नवजोत खेमा और कैप्टन खेमा, उनको साधने की कोशिश होगी। लेकिन चन्नी का जैसे आप बता रहे 36 का आंकड़ा अमरिंदर सिंह के साथ रहा है, और आज ना आना समारोह में ये दिखा रहा है कि बात वहां के लिहाज से तो नहीं बनी है। तो ये आगे कितना चैलेंजिंग होगा चन्नी के लिए भी, क्योंकि आपको दोनों जगह तालमेल बनाकर चलना है। देखिए, एक कहावत है, आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि एक तरफ वो धड़ा है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध कर रहा है, और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का धड़ा है। और चरणजीत सिंह चन्नी को जिस तरीके से इतने विचार विमर्श और मंथन, बैठक और मीटिंग्स के बाद विधायक दल का नेता चुना गया है, तो उसमें कांग्रेस आलाकमान ने उम्मीद ये जताई है कि चरणजीत सिंह चन्नी आकर सारी गुटबाजी को खत्म करेंगे, सारे हालात को सामान्य करेंगे, और जो एक बहुत बड़ा वोटर बैंक है पंजाब का, उस पर भी सेंध लगाएंगे। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी जिस जब से उनका नाम आया है तब से ही उनको लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद होने शुरू हो गए हैं। एक तरफ से जहां विपक्ष के पार्टियों ने चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा, राहुल गांधी अभी तक राजभवन नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि अभी शपथ ग्रहण समारोह में देरी हुई है। पंजाब में आज 11 बजे का वक्त था समारोह की शुरुआत का, लेकिन यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से शपथ ग्रहण में देरी हुई है। सत्येंद्र हमारे साथ लगातार मौजूद है। सत्येंद्र, राहुल गांधी अभी तक नहीं पहुंचे इसलिए देरी हो रही है? देखिए, जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और जो गणमान्य यहां पर आए हैं उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उनके नाम भी गिनाए, और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी यहां पर जो है नहीं पहुंचे हैं यहां पर, और ये तस्वीरें हम लगातार आपको अब राजभवन के अंदर से प्रसारण शुरू हो गया है, वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। राजभवन के अंदर अभी तक मोहर नहीं लग पाई है, अभी तक फैसला नहीं हुआ है। सुबह तक तो सत्येंद्र कहा जा रहा था डिप्टी सीएम ये होंगे, अब अचानक संशय इन दोनों नामों पर भी, क्यों? देखिए, ये कहा जा रहा है कि पंजाब राजभवन के अंदर से प्रसारण शुरू कर दिया गया है, और राजभवन में जो कार्यक्रम होना था उसकी विधिवत यहाँ पर जो है तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी भी मैं बता दूं, मंच पर ना तो पंजाब के राज्यपाल पहुंचे हैं, ना चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे हैं, और तस्वीरें ये यहाँ पर पंजाब राजभवन की हैं, जहाँ पर गेट को बंद कर दिया गया है। जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आने थे वो अंदर पहुंच चुके हैं, और कल से ही लगातार हम ये बता रहे थे कि सुबह 11 बजे का समय मुकर्रर हुआ था, तय हुआ था कि 11 बजे पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण का उनका कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन दिल्ली से आज खबर ही आई कि राहुल गांधी बाकायदा चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो वो राहुल गांधी अभी तक पंजाब राजभवन नहीं पहुंचे हैं, और इंतजार शायद इसी बात का किया जा रहा है कि जैसे ही राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे विधिवत रूप से पंजाब राजभवन के अंदर शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि ये भी मैं बता रहा था कि पंजाब राजभवन के अंदर से राजभवन के कर्मचारियों ने सीधा प्रसारण इस कार्यक्रम का करना था, तो वो तस्वीरें हमारे सामने आने लगी हैं। उन तस्वीरों को मैं अगर आपको दिखाऊं तो उन तस्वीरों में अभी जो मंच बनाया गया है, जिस मंच पर जो है चरणजीत सिंह चन्नी को शपथ पंजाब के राज्यपाल दिलाएंगे, उस मंच पर कुर्सियां अभी खाली रखी हुई हैं, और
और चरणजीत सिंह चन्नी। तस्वीर देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी अब राज्यपाल के साथ डायस पर मौजूद हैं और वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजभवन के अंदर शुरू हो गया है। तो ये तस्वीरें पंजाब राजभवन से आनी शुरू हो गई हैं। हम भी अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, बाकायदा लिंक भेजा हुआ है। तो कुल मिलाकर अब पंजाब राजभवन के अंदर शपथ ग्रहण कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हो चुका है। बिल्कुल सत्येंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा और जानकारी लेने के लिए आपसे सीधे संपर्क करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप देखते रहिए एक और 11। ठीक है, दोबारा सत्येंद्र के पास ले चलेंगे क्योंकि वहां पर पल पल अपडेट के साथ सत्येंद्र राजभवन के ठीक बाहर मौजूद है। सत्येंद्र, ये देखिए तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, वहां पर हलचल इस वक्त जारी है, लेकिन जो मुख्य अतिथि हैं राहुल गांधी, उनका इंतजार किया जा रहा है। 11 बजे शपथ ग्रहण शुरू होना था, लेकिन डीले यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि अगले सीएम होंगे पंजाब के, उनका शपथ ग्रहण होना है आज और वो पहुंच चुके हैं इस समारोह में। लेकिन इस बीच सत्येंद्र सवाल कई उठ रहे हैं यहां पर, सवाल इस बात को लेकर कि जिस दलित वोटों को साधने की बात हो रही है, अहम तो वहां पर सिख वोट भी हैं, उनके नाम पर उनके जो पूरा परसेंटेज ऑफ वोटेज है उनको साधने के लिए किसका चेहरा आगे किया जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो किसान आंदोलन चल रहा है जिसके तमाम शिरोमणि अकाली दल के नेता उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं कि मैं भारतीय प्रभुता अते अखंडता नूं बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब राज दे मुख मंत्री वजो अपने कर्तव्यां नूं वफादारी अते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा, अते मैं भै जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों की प्रति संविधान अते कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। धन्यवाद। मैं चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि मैं जो कोई मामला पंजाब राज दे मुख मंत्री वजो मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जां मैनू ज्ञात होवेगा ओ किसी व्यक्ति जां व्यक्तियां नूं सवाए उस दे कि ओ अजिहे मुख मंत्री वजो अपने कर्तव्यां दी ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे, मैं सीधे जां सीधे तौर ते ना दसांगा ना प्रगट करांगा। तो आपने देखा सीएम पद की और गोपनीयता की शपथ लेते हुए चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के अगले कैप्टन, पंजाब के अगले मुख्यमंत्री, और जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदला पंजाब में, उसके गवाह बने चन्नी। कई नाम सामने आए लेकिन सबको पीछे करते हुए चन्नी ने सीएम पद की कुर्सी काबिज कर ली। और ये तस्वीर है जिसमें अहम डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी देखे जा सकते हैं। सीएम पद की शपथ अब से कुछ ही देर पहले राज्यपाल ने उन्हें दिलाई है। अमरिंदर के खिलाफ उन्होंने एक वक्त में बगावत की थी और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी पर भी कांग्रेस ने दांव लगाना बेहतर समझा। नाउ आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल गवर्नर टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस इन सीक्रेसी टू श्री सुखचंद्र सिंह रंधावा जी। मैं सुखजिंदर सिंह रंधावा ईश्वर की सहु चुकता हूं कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता ते अखंडता नूं बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब राज दे मंत्री वजो अपने कर्तव्यां नूं वफादारी ते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा, अते मैं भै जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान
ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। सुखजिंदर सिंह रंधावा जिन्होंने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की है, नाम पर फिलहाल मोहर लग चुकी है और डिप्टी सीएम के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा शपथ ले चुके हैं। इनका डिटेल प्रोफाइल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रंधावा के नाम पर मोहर लग चुकी है और कैप्टन सरकार में भी ये मंत्री रह चुके हैं। इनका पिछला रिकॉर्ड कैप्टन सरकार से जुड़ा हुआ और अब नई सरकार नए सीएम के साथ ही इनका डिप्टी सीएम बतौर डिप्टी सीएम कार्यकाल जारी रहेगा। नाउ आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल गवर्नर टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू श्री ओपी सोनी जी एज मिनिस्टर पंजाब। मैं ओपी सोनी मैं ओपी सोनी ईश्वर की सहु चुकना हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के सिद्धांत के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखागा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बरकरार रखागा कि मैं पंजाब राज के मंत्री वजो अपने कर्तव्यों वफादारी शुद्ध अंतकरण निभावगा और मैं भय और पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति सिद्धांत के कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं ओपी सोनी ईश्वर की सहु चुकदा हाँ कि मैं कोई मामला पंजाब राज के मंत्री वजो मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञात होगा वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों नू सवाए उसके कि जहे मंत्री वजो अपने कर्तव्य के ठीक ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। प्रकाश सोनी मंत्री पद की उन्होंने भी शपथ ली, लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं ये और आज ये संभावना जताई जा रही कि कुछ मंत्री भी हो सकते हैं जो शपथ लेंगे। अमृतसर सेंट्रल से विधायक हैं ओम प्रकाश सोनी, इन्होंने भी आज मंत्री पद की शपथ ली है। कैप्टन सरकार में शिक्षा मंत्री थे ओपी सोनी, उन्होंने लगातार दूसरी बार वो विधायक बने, तो कुल मिलाकर दो मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी जिन्होंने शपथ ली है। इससे पहले चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ साथ ये नए चेहरे जो मंत्री हैं ओम प्रकाश सोनी कैप्टन सरकार में शिक्षा मंत्री, लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं और इसी के साथ साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे के जाने माने चेहरे हैं, पंजाब कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे, पिता संतोष सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, पंजाब कांग्रेस के उपाध्यक्ष महासचिव भी रहे हैं, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। आई रिक्वेस्ट ऑल टू राइज फॉर द नेशनल एंथम।
शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ। चन्नी समेत दो अन्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की राजभवन में, और इस पूरे समारोह में गिने चुने व्यक्तियों को ही आमंत्रित किया गया था। 40 इनकी संख्या बताई जा रही थी। चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की। ओपी सोनी ने मंत्री पद की शपथ ली है। सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने एक के बाद एक शपथ ग्रहण की, और अब यह शपथ ग्रहण समारोह का समापन हो चुका है। सुखजिंदर रंधावा ने मंत्री पद की शपथ ली। सत्येन चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येन, लगभग 10 मिनट ये शपथ ग्रहण समारोह चला। सीएम के तौर पर चन्नी ने शपथ ली, दो अन्य मंत्रियों ने शपथ ली, अब आगे क्या? क्योंकि ये शपथ ग्रहण समारोह तो इसलिए ऑर्गेनाइज हुआ क्योंकि आपको अपने नए सीएम को शपथ दिलवानी थी, लेकिन अंदर की जो अंतर कलह है वो तो इसके बारे बात भी जारी रहेगी। जो द्वंद है वो यहां पर पूर्ण विराम नहीं लगा है उसका, वो तो आगे भी जारी रहेगा। इसमें कई सारे यस होंगे, कई सारे नो होंगे। सभी विधायकों को साथ लेकर चलना इस वक्त कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि 5 महीने बाद ही चुनाव है। बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में जो फॉर्मूला तैयार हुआ था उस फॉर्मूले के तहत शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, एक सिख समुदाय से, एक हिंदू समुदाय से। ओपी सोनी अमृतसर से विधायक हैं, हिंदू समुदाय से आते हैं, उनको डेप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। सुखी रंधावा, जिनका नाम पहले चीफ मिनिस्टर के तौर पर चला, वो सिख समुदाय से आते हैं और माझा रीजन से आते हैं, उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे जो है कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी आ रही है। राहुल गांधी सीधे तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो भी पहुंचे हैं, साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद हैं वहां पर। चन्नी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जैसे संभावना जताई जा रही थी कि राहुल गांधी पहुंचेंगे और थोड़ी देरी से जरूर पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो वहां पर नेता है उनसे मुलाकात करते हुए अजीत सावंत भी आपको सीधे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, चन्नी नजर आ रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू भी यहां पर नजर आ रहे हैं। अर्पिता, यहां पर बधाइयों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। राहुल गांधी ने बधाई दी दो डिप्टी सीएम और सीएम के जो नए चेहरे हैं उन सभी को, और राहुल गांधी उस फोटो अपॉर्चुनिटी के वक्त भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं जो दरअसल इस पूरे कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा होती है। यहां पर साफ तौर पर सतेंद्र संदेश देने की कोशिश कि कांग्रेस आलाकमान भले ही ना मौजूद हो, लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी ये दर्शाती है कि वहां पर तुम लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर है, साथ ही जो राहुल गांधी ने अंत में पहुंचकर डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम यहां पर मनोनीत किए गए हैं और साथ ही सीएम चन्नी को बधाई दी। सत्येंद्र, बहुत सारा संदेश लेकर दरअसल राहुल गांधी यहां पर मौजूद है सत्येंद्र, और साथ ही ये भी बताने की कोशिश कि भले ही सोनिया गांधी और आलाकमान यहां पर ना हो, लेकिन मैं हूं यहां पर सब कुछ ठीक करने के लिए। देखिए, राहुल गांधी का शपथ ग्रहण समारोह में आना कहीं ना कहीं एक संदेश है, एक मैसेज है कांग्रेस के तमाम उन नेताओं को जो अभी भी कहीं ना कहीं अंतरकलह में उलझे हुए हैं, गुटबाजी में फंसे हुए हैं। सबसे पहले राहुल गांधी अपने राइट हैंड अजय माकन और प्रभारी के तौर पर हरीश रावत और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को यहाँ पर भेजते हैं विधायक दल की मीटिंग लेने के लिए और तमाम विधायकों की राय सुमारी। और जब ये संदेश निकल कर आता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने पर्यवेक्षकों से सीधे बात करते हैं, कई विधायकों से बात करते हैं, और राय सुमारी के बाद जब उन्हें यह पता चलता है कि कांग्रेस में भले ही नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, लिहाजा एक संदेश देने के लिए एक मैसेज के तौर पर राहुल गांधी को इस शपथ ग्रहण समारोह में आना पड़ा है। शपथ ग्रहण समारोह हालांकि बहुत लंबे चलने वाला नहीं है क्योंकि 5 महीने तक ही पंजाब में ये मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद विधानसभा
सभा के चुनाव हैं, लेकिन ये 5 महीने इस रूप से बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इन 5 महीनों के बाद एक बार फिर से पार्टी को विधानसभा चुनाव में जाना है, और चुनाव से पहले अगर पार्टी एकजुट नहीं होती है और एक मत नहीं होती है, एक राय नहीं रखती है, तो इसका खामियाजा कांग्रेस नेतृत्व को कहीं ना कहीं 2022 के फरवरी महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा राहुल गांधी का यहां पर आना बेहद जरूरी था, ठीक वैसा हुआ भी है। राहुल गांधी हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में 10 मिनट की देरी से पहुंचे, लेकिन पहुंचने के बाद उन्होंने एक संदेश जरूर दे दिया है। तस्वीरें आपने देखी होंगी कि नवजोत सिद्धू उनके आसपास दिखाई दिए, और उसके अलावा चरणजीत चन्नी जो अब पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो भी राहुल गांधी के पास पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी अब चंडीगढ़ से दिल्ली वापस जाने से पहले कहीं ना कहीं विधायकों की मीटिंग भी ले सकते हैं और विधायकों को एकजुटता का संदेश भी दे सकते हैं, क्योंकि 5 महीने बाद विधानसभा में अगर पार्टी इन्हीं हालातों के साथ जाती है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं आने वाले समय में विपक्ष को मिल सकता है, और इसी कड़ी को सुलझाने के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षकों के साथ साथ राहुल गांधी को खुद चंडीगढ़ में आना पड़ा है। राजभवन की तस्वीरें मैं दिखाता हूं, शपथ ग्रहण समारोह अब यहां पर खत्म हो चुका है, और जो रूट को अलर्ट कर दिया गया है कि जो गणमान्य व्यक्ति राजभवन के अंदर गए थे वो जल्द बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद विधिवत रूप से जो दो मंत्रियों ने जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री के साथ, वो अपना चार्ज संभालेंगे। हालांकि सूत्र ये भी कह रहे हैं 12:30 बजे पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस को संबोधित करेंगे पंजाब भवन के अंदर। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस पार्टी की असली अग्नि परीक्षा एक चुनाव के रूप में जो बहुत जल्द विधानसभा के आ रहे हैं शुरू होगी, और इस अग्नि परीक्षा में कहीं ना कहीं कांग्रेस को सबसे पहले जो नाराजगी है, गुटबाजी है, उसको खत्म करना होगा, और उसके लिए राहुल गांधी अब चंडीगढ़ पहुंचे हैं, और राहुल गांधी के पहुंचने का संकेत सिर्फ यही है कि राहुल गांधी खुद पंजाब कांग्रेस में जो रायता फैला हुआ है उसको समेटना चाहते हैं और पंजाब कांग्रेस को एक लहर में एक लाइन में लाना चाहते हैं। सत्येंद्र, जब रंधावा के सीएम बनने की खबरें चल रही थी तब अमरिंदर ने ये कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए अगर जाएंगे अगर ऐसा फैसला होता है। अब डिप्टी सीएम के तौर पर तो उन्होंने शपथ ले ली, क्या ये फैसला वो अभी भी ले सकते हैं या कुछ वो उनका फैसला आगे क्या हो सकता है? और ये ओपी सोनी, क्योंकि चन्नी और रंधावा ये तो अगर सीधे सीधे तौर पर कहें तो नवजोत के ज्यादा क्लोज है, तो क्या यहां पर अभी भी मां नवजोत सिंह सिद्धू का ही रखा गया है? देखिए, ओपी सोनी अमृतसर से आते हैं और ओपी सोनी को कैप्टन अमरिंदर का करीबी माना जाता है। सुखजिंदर रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी दोनों ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ 36 का आंकड़ा रखते हैं, लेकिन ओपी सोनी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उनका कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति है। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह जब इसी जगह पर परसों इस्तीफा देने आए थे तो ओपी सोनी उनके साथ मौजूद थे। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं, जब इस्तीफा देने से पहले ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, पंजाब राजभवन का गेट खुल रहा है, सुरक्षा को एकदम व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है और ये गेट खुला, ये देखिए गणमान्यों का आने का काफिला शुरू हो गया है। साथ ही मैं आपको समझा रहा था कि ओपी सोनी की बात करें तो ओपी सोनी उन विधायकों में भी शामिल थे जब कैप्टन अमरिंदर सिंह एक शक्ति परीक्षण कर रहे थे और ये दिखा रहे थे कि उनके पास संख्या बल है। मुख्यमंत्री आवास में बैठकर 2 बजे उन्होंने मीटिंग बुलाई थी तो ओपी सोनी उस मीटिंग में भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के सहयोगी को भी इस मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने का काम किया है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी और नेतृत्व से नाराज है, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी नाराजगी को किसी भी तरीके से थोड़ा कम किया जाए, उनको मनाया जाए और उनको जो है लाया जाए। ये देखिए, और वीवीआईपी का काफिला यहाँ पर आया है और अभी राहुल गांधी पहुंचे थे और ये तस्वीरें यहाँ पर आ रही है कि और भी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस में अंदर से वाहनों का काफिला बाहर निकलना शुरू हो गया था, लेकिन एकाएक बड़े नेता यहां पर आए हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि कौन है। हाँ, ये जो नया मुख्यमंत्री बनता है उसको प्रोटोकॉल के तहत नया काफिला दिया जाता है। तो ये मुख्यमंत्री का मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नया काफिला है, ये मुख्यमंत्री जब राजभवन से निकलता है ओथ लेने के बाद, तो उसको नई गाड़ियां, नई सुरक्षा व्यवस्था और नया काफिला उसको सौंपा जाता है।
तो चरणजीत सिंह चन्नी अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो प्रोटोकॉल के लिहाज से जब वो राजभवन से बाहर निकलेंगे तो उनका सुरक्षा घेरा जिस घेरे में वो आए थे वो चेंज कर दिया गया है, और प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला जिसमें जैमर भी शामिल है ये उनको दे दिया गया है, अलॉट कर दिया गया है। और अब जो है कुछ ही क्षणों में जो शपथ ग्रहण समारोह अंदर चल रहा था वो खत्म हो चुका है। जलपान की एक प्रक्रिया होती है, एक रसम अदायगी होती है, वो अंदर खत्म हो चुकी है और जो वीवीआईपी हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। राहुल गांधी राजभवन के अंदर मौजूद है, चरणजीत सिंह चन्नी अब मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके लिए जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए वाहनों का काफिला दिया जाता था उस काफिले को अब चरणजीत सिंह चन्नी को दिया जा रहा है। बात हम कर रहे थे कि कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह देखिए अभी भी कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि पार्टी ने कोशिश की है कि ओपी सैनी को मंत्रिमंडल में रखकर उनकी नाराजगी को कम किया जा सके, उनके गुस्से को कम किया जा सके, लेकिन जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल गांधी के पहुंचने के बावजूद इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए हैं, इससे एक मैसेज ये भी साफ जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर अभी भी कहीं ना कहीं नेतृत्व से नाराज हैं और आने वाले समय में वो कोई बड़ा और कड़ा दोनों ही बातें हैं फैसला ले सकते हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चरणजीत सिंह चन्नी को एक ट्वीट करके बधाई भी दी है, मुबारकबाद भी दी है, एक चिंता भी उन्होंने उस ट्वीट में जाहिर की है और उनसे एक उम्मीद जताई है कि पंजाब के हितों की चरणजीत सिंह चन्नी पूरी क्षमता के साथ रक्षा करेंगे, ऐसा उन्होंने भरोसा जताया है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस शपथ ग्रहण समारोह में ना आना और कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का अब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास ना जाना भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनका कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास जाने का कार्यक्रम है, वहां जाकर उनसे आशीर्वाद भी लेंगे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर बात करें तो 52 साल का राजनीतिक तजुर्बा है, सबसे उम्र दराज मुख्यमंत्री, पूरे देश के सबसे उम्र दराज मुख्यमंत्री वो थे और उनको कांग्रेस ने जिस तरीके से हटाया है जाहिर सी बात है कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी उनका आशीर्वाद लेने और उनको किसी तरीके से मनाने की कोशिश करने के लिए उनके फार्म हाउस पर जाएंगे जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल नाराज होकर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी राजभवन में पहुंचे हैं, राहुल गांधी के पहुंचने का मकसद और संकेत बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अब पार्टी में और गुटबाजी ना हो, मुख्यमंत्री बना दिया गया है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है। सतेंद्र नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बेहद अहम दिन आज पंजाब की राजनीति में, क्योंकि आज नए सीएम के तौर पर चन्नी शपथ ग्रहण कर चुके हैं।